गाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो हम लोग समझते हैं, इंडियन सार्स कोव टू कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स के बारे में। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है और जीनोमिक्स क्या होती है, फिर मैं आपको जो है वो समझाऊंगा कि ये इंडियन सार्स कोव टू कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स है क्या, फिर हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे जो कि न्यूज में है। तो पहले आइए समझते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो क्या है। तो जीनोम, जब भी आपसे पूछा जाए कि एक जीनोम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक ऑर्गेनिज्म का, एक व्यक्ति का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। डीएनए सभी लोग समझते हैं, डीएनए क्या होता है, आप देखिए कुछ इस प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है कि डीएनए जो है वो बनता है। डीएनए है ना, ये वाली चीज आप सभी लोग जानते हैं, आपको पता होगी इस चीज के बारे में। ये डीएनए होता है, इसका कंप्लीट सेट यानी कि एक सिंगल सेट जो होता है इस पूरे के पूरे डीएनए का, एक कंप्लीट सेट, तो वो जीनोम इसको हम लोग बोलते हैं। अब इस कंप्लीट सेट में क्या होता है, उसको मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर और आसान शब्दों में एक व्यक्ति के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी भी चीजें होती हैं वो पूरी की पूरी रिकॉर्डेड होती हैं इसमें, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जीनोम के अंदर पूरी की पूरी चीजें। अरे, एक व्यक्ति के आंखों का कलर कौन सा, ये तक साइंटिस्ट रिसर्चर इस जीनोम को पढ़कर स्टडी करके बता सकते हैं। वो छोड़िए, एक व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है वो भी बता सकते हैं। बीमारी तो छोटी सी बात है, बीमारी का पता लगाना है कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है उनके लिए छोटी बात है। हर एक माइन्यूट डिटेल जो कि इंसान की बॉडी में, वो पूरी की पूरी चीज साइंटिस्ट रिसर्चर पता कर सकते हैं इसको स्टडी करके, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को स्टडी करके। अब जीनोमिक्स क्या होती है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि स्टडी है जिसके जिसके थ्रू ये जो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए यानी कि जो जीनोम है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये काम कैसे करती हैं, कैसे ये इवॉल्व हो रही है यानी कि चेंज हो रही है। आप जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो इवॉल्व होता है, कोई या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका नेचर होता है इवोल्यूशन का। आपको पता है ह्यूमन जो है वो पहले क्या हुआ करता था, बंदर हुआ करता था, एप हुआ करता था, और इवॉल्व होकर मॉडर्न ह्यूमन की तरह हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं। आगे चल के और इवोल्यूशन होगा तो और चेंजेस जो है वो आएंगे बॉडी में इंसान की, तो इवोल्यूशन। और सेम वही चीज की ये जीनोमिक्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये एक फील्ड है, ये स्टडी करती है कि ये कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए यानी कि जीनोम में किस प्रकार से इवोल्यूशन हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैपिंग कहां पर कौन सी चीज है, और एडिटिंग जीनोम्स की एडिटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो वो यही है कि एडिटिंग। तो इन पूरी चीज की स्टडी को जो है वो जीनोमिक्स कहा जाता है, राइट। और जीनोमिक्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें सीक्वेंसिंग भी होती है और एनालिसिस होता है पूरे जीनोम का, प्रॉपर तरीके से जीनोम को सीक्वेंस किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। सीक्वेंसिंग का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर 100 लोग हैं या 100 लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सबके सेट ऑफ डीएनए को निकाल निकाल कर चेक करके यानी कि जीनोम को चेक करके ये देखा जाता है कि इन सभी का पैटर्न कैसा है, सीक्वेंसिंग इनकी कैसी है, क्या इनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी एनालिसिस होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और एडवांसेस इन जीनोमिक्स हैव ट्रिगर्ड अ रिवोल्यूशन इन डिस्कवरी बेस्ड रिसर्च। तो जिस प्रकार से इस जीनोमिक्स के अंदर हम लोग को और भी नई नई चीजें देखने को मिल रही है, इसमें और भी स्टडी बढ़ती आ रही है नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए नए इनोवेशन के माध्यम से, नई नई जब खोज जब सामने आ रही है, तो उसके तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो साइंटिस्ट रिसर्चर हैं ये क्या कर रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं पूरी की पूरी बायोलॉजी सिस्टम के ऊपर, राइट, कि जिससे कि ये समझ पा रहे हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही खतरनाक ऐसी बीमारियां या ऐसा ऐसी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी का सिस्टम है ब्रेन, तो उसको स्टडी करने के लिए बहुत ही आसान चीज है कि आप उसके जीनोम को जो है वो स्टडी कर लें यानी कि जीनोमिक्स को स्टडी कर लें, उसके थ्रू आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि ब्रेन कैसे ऑपरेट करता है, कैसे फंक्शन करता है, राइट। इवन बॉडी के अंदर कोई एक बीमारी है, डिजीज, अरे अभी कोरोना वायरस जो हम लोग को देखने को रहा है जिसको लेकर ये टॉपिक है, राइट, तो कोरोना वायरस जो है इसकी सीक्वेंसिंग क्यों की जा रही है, क्यों इसको स्टडी किया जा रहा है, क्यों उसके जीनोमिक्स को स्टडी किया जा रहा है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि ये जो वायरस है ये कैसे इवॉल्व हो रहा है, इसमें कैसे म्यूटेशन आ रहे हैं, किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं इस वायरस के अंदर, राइट, अंडरस्टैंडिंग इट। तो आप उम्मीद करता हूं अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जीनोमिक्स को स्टडी करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें आवश्यकता ये है जीनोम सीक्वेंसिंग की, कि मैपिंग करना इंडिया का जो जेनेटिक पूल है, मतलब कि इंडिया के जो लोग हैं उनकी डाइवर्सिटी, वही चीज मैं अभी आपको समझा रहा था, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग एनवायरमेंट में रहते हैं, अलग 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 उनके बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज हैं, किसी की ज्यादा अच्छी एक्टिविटीज होगी, किसी की कम होंगी, तो इनको भी देखकर इनके ओवरऑल पूरे जीनोम्स को जो है वो स्टडी करना
और एनालिसिस करना कि ह्यूमन की बॉडीज में किस प्रकार के चेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं, आगे चल के उनको किसी प्रकार की बीमारी का खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता है उसको भी फाइंड आउट करना। ये पूरी चीजें फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत बेटर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को आप कह सकते हैं कि एक टूल के तौर पर ये प्रोवाइड की जाती है साइंटिस्ट और रिसर्चर की। एक टूल है ये जिसके थ्रू साइंटिस्ट रिसर्चर आसानी से समझ सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस प्रकार से एनवायरमेंट में चीजों को अडॉप्ट कर रहा है, कैसे अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है, राइट। जैसे वायरस की बात करें तो वायरस में कितनी जल्दी चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, कोरोना वायरस के कितने सारे अलग अलग वेरियंट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो लगातार इस एनवायरमेंट में इवॉल्व हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो उसके चेंजेस को पहली बात तो आइडेंटिफाई करने के लिए, वेरिएंट का पता लगाने के लिए कि नया वेरिएंट है कि नहीं, इवन आगे चल के इसमें और कैसे चेंजेस आ सकते हैं उसको प्रिडिक्ट करने के लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है, होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, इससे फायदा पता लगता है कि कितना डिजीज जो है, डिजीज का बर्डन जो है वो एक कंट्री के पॉपुलेशन के अंदर हो सकता है, यानी कि कंट्री के लोगों को अगर उनके जीनोम सीक्वेंसिंग उनका करवा दिया, जैसे कि इंडिया के सभी लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाए, तो साइंटिस्ट इस इधर एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर कैसे चेंजेस आ सकते हैं उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, उनको कौन सी बीमारी, कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इवन डायबिटीज, मेंटल हेल्थ के क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने के सोल्यूशन ला सकते हैं। क्योंकि देखो अगर आपको प्रॉब्लम्स पता लग गए कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की जड़ ये है, तो उसको आप खत्म करने के लिए सोल्यूशन जो है वो ला सकते हो, फिर आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। आज की डेट में प्रॉब्लम ही नहीं पता ये प्रॉब्लम क्या है, तो आप सोल्यूशन कैसे लाओगे, राइट। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने का एक तरीका आप कह सकते हो, और बेटर तरीके से समझने के लिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सिंपल सी, क्लियर है यहां तक बात है। अब सुनिए इंडियन सार्स कोव 2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स के बारे में। तो ये INSACOG जो है इसको जॉइंटली शुरू किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको जॉइंटली जो है वो बनाया गया है। इस कंसोर्टियम में 28 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, हमारी कंट्री के 28 लैब्स हैं जिनका काम ये होता है मॉनिटर करना कि किस प्रकार से जीनोमिक्स वेरिएशन हो रही है कोरोना वायरस की, यानी कि कोरोना वायरस में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार के उसके जो जीनोम है, राइट, तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो उसका पता लगाना, उसको मॉनिटर करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक 28 हमारी जो कंट्री की लेबोरेटरीज एंड लैब्स है उनका एक नेटवर्क है जो साथ में मिलकर काम करता है। ये पूरे के पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग जो होती है कोरोना वायरस की पूरी कंट्री के अंदर, उसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जिससे मदद मिलती है पता लगाने में कि किस प्रकार से ये बीमारी जो है वो फैल रही है और किस प्रकार से ये वायरस इवॉल्व हो सकता है, यानी कि अपने आप को चेंज कर सकता है, कैसे इसमें म्यूटेशन आ सकते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए ये पूरी एक्टिविटी को हम लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, और इसका एम है कि प्रॉपर तरीके से जो भी क्लिनिकल सैंपल्स जो आ रहे हैं उनकी सीक्वेंसिंग करना, और इस पर्टिकुलर बीमारी की जो डायनेमिक्स है और सीवियरिटी है कि कितनी गंभीर हो सकती है, कितने डायनेमिक तरीके से इसमें चेंजेस आ सकते हैं, वेरिएशन हो सकते हैं, उसको समझने के लिए ये कंसोर्टियम हम लोग को देखने को मिलता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसोर्टियम भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में क्यों मिला है। देखिए हुआ क्या था, पुणे शहर से दिसंबर 2020 और अप्रैल के बीच में, राइट, अप्रैल 2021 के बीच में कुछ सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए थे वेस्ट वाटर के, यानी कि गंदा नाली का पानी है उससे सैंपल कलेक्ट किए गए, और उसमें पाया गया कि कुछ कोरोना वायरस मिले हैं, और कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन हुआ, यानी कि इसमें चेंजेस हुए, चार प्रकार के म्यूटेशन पाए गए कि कोरोना वायरस चेंज हो गया, इवॉल्व हो गया, अलग अलग उसके वेरिएशन जो है वो मिल रहे हैं। और बताया गया कि इन टोटल जो है वो पूरी टीम ने जो है वो 108 म्यूटेशन कोरोना वायरस के जो है वो ट्रेस किए हैं, 108 म्यूटेशन, समझ रहे हो, चेंजेस तो ये पता लगे हैं पूरी की पूरी टीम को, और ये काफी गंभीर बात है और कितना इंपॉर्टेंट है कंट्रीज के लिए कि कंटिन्यूअसली जो है वो मॉनिटर करते रहना वेरियंट को, और समझना कि किस प्रकार से ये जीनोमिक एपिडेमियोलॉजी इमर्ज हो रही है। आसान और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो कितना जरूरी है कंट्री के लिए कोरोना वायरस को समझना कि कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आज की डेट में कोरोना वायरस जो है वो ऐसा जो है वो दिख रहा है, कल जो है वो ऐसा हो जाए, फिर ऐसा 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 हो जाए, राइट, मतलब चेंजेस, मतलब मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है इसमें, जो चेंजेस आते हैं वो उसके ऑब्वियसली जीनोमिक्स में चेंजेस आते हैं, इंटरनल चेंजेस उसमें होते हैं, और इंटरनल चेंजेस होने का मतलब साफ साफ ये है कि देखो यार बात को समझो, आप
साइंटिस्ट रिसर्चर को पता लगेगा कि यार कोरोना वायरस, अभी दिखाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए वाली चीज है कि कोरोना वायरस ऐसा है, ठीक है। साइंटिस्ट रिसर्चर को पता लगा कि कोरोना वायरस ऐसा है, तो ये क्या करेंगे, इसको मिटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाएंगे, दवाई बनाएंगे, राइट। बट इसने अपने शेप को चेंज करके ऐसा बन गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा बन गया, इसके पूरे जितने भी ये स्पाइक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एक तरफ ऐसे आ गए, फिर इसको आप कैसे अटैक करोगे, इसको अटैक करना मुश्किल होगा ना, क्योंकि वैक्सीन वगैरह जो होती हैं, जो दवाइयां वगैरह होती हैं, वो टारगेट करती हैं पैथोजन को, वायरस को, बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं। तो जब जो टारगेटेड जो चीज है, जो वायरस है, वो खुद ब खुद ही चेंज हो गया, तो उसको आप कैसे फिर आइडेंटिफाई करोगे, फिर कैसे उसको खत्म करोगे, मारोगे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करते रहना, जिससे कि अपनी जो दवाइयां हैं, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स है, उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस जो है वो कर सके हम, है ना, और जल्दी जल्दी इस बीमारी को खत्म कर सके, एंड कर सके, और प्रिडिक्ट भी कर सके कि किस डायरेक्शन में इसके चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस कर रही है अपने आप में। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हर एक कंट्री के अंदर इस प्रकार की लैब्स हम लोग को आज की डेट में देखने को मिलती हैं, कि जो कि ऑपरेट करती हैं, मॉनिटर करती हैं कि कैसे इसको जो है वो स्ट्रेटेजी बनाती है, कैसे इसे खत्म करना है। इंडिया के अंदर और पूरे दुनिया भर में बहुत तेजी से आप जानते हैं कोरोना वायरस फैल रहा है, और इसके नए नए वेरियंट्स, नए नए प्रकार इसके सामने उभरते हुए आ रहे हैं। इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कितना ज्यादा ये जरूरी है, ये वायरल सैंपल को कलेक्ट करना, इसको सीक्वेंस करना, और पूरे नेशनली और रीजनली, पूरी कंट्री में भी, रीजनली इवन ग्लोबली, इंटरनेशनली भी ये डेटा जो है वो शेयर करना, राइट। और डेटा शेयर करके पूरी कंट्रीज को भी अवेयर करना कि यार इस प्रकार का एक नया वेरिएंट जो है वो आ चुका है, आप सतर्क रहें, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और रियल टाइम पे पेंडेमिक कितनी तेजी से फैल रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, उसकी एक प्रॉपर पिक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी, या फिर प्रॉपर पिक्चर जो है वो क्लियर तरीके से, एक्यूरेट पिक्चर को देखने के लिए भी, कि हम पता लगा सके, आइडेंटिफाई कर सके कितनी तेजी से ये वायरस जो है वो फैल रहा है, तो उसके लिए भी ये सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और फिर हम स्ट्रेटजीज बनाए, जो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काउंटर करने के लिए, और पर्पस हम लोग को सिक्वेंसिंग का क्या देखने को मिलता है, सर्विलांस, मॉनिटर करना, इससे ट्रू पिक्चर, एक्चुअल करेक्ट पिक्चर हमें पता लगती है कि कैसे ये वायरस जो है वो बढ़ रहा है, फैल रहा है, राइट। तो उसकी हमें प्रॉपर पिक्चर जो है वो पता लग जाती है, तो ये चीज है। और WHO ने स्ट्रेस दिया है किस चीज के ऊपर, कि डेटा जो सिक्वेंसिंग की हम लोग को देखने को मिलती है, इसको आप सबमिट करो एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है GISAID, राइट। एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया गया, ये अभी नहीं तैयार किया गया, बहुत पुराने पहले से ये प्लेटफॉर्म है, कि पूरी कंट्री जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर अपना अपना, यानी कि लैब से डेटा जो है वो भेजती है, राइट, और बताती है सबको, इस यहाँ पर डेटा आ जाता है तो सबके पास इसका एक्सेस होता है, सबको पता लग जाता है कि यार अच्छा ये नया वेरियंट आया, उसको कैसे जो है वो खत्म करना है, इसके अंदर क्या, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये कहा गया WHO के द्वारा कि सभी कंट्रीज जो भी इस प्रकार के ऑपरेशन कर रही है, इस प्रकार की जिन भी कंट्रीज के अंदर लैब है सीक्वेंसिंग को लेकर, तो उसके डेटा जो है वो लगातार शेयर करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो ये चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है।